हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पॉर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है क्या इम्पोर्टेंस रही है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं ठीक है थीके? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या है प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है वो डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में देखो क्या कहते हैं सिंस द बिगनिंग ऑफ नाइनटीन सेंचुरी Industrialization of the country is being sought through the growth and diversification of the private sector. And after independence, many basic industries such as Tata Iron and Steel, Tata Electricity Station in Bombay, and consumer industries such as sugar, textile, jute, etc., were established in the private sector. They could normally kya bol since the beginning of 19th century. 19th century se hi industrialization jo hai country. Ka, wo, matlab, सॉर्ट हो रहा है थ्रू द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ठीक है और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की तो बहुत सारी ऐसी बेसिक इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही स्टैब्लिश की गई थी प्राइवेट एंटरप्रनोर्स हैव ऑल्सो एस्टैब्लिड सेवरल इंडस्ट्रीज इन कोलेबोरेन विद फॉर काउंटर पार्ट्स फॉरन काउंटर पार्ट्स के साथ भी प्राइवेट ऑन्टरप्रेनोर्स ने काफी सारी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया है मेनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स विच आर अर्निंग फॉरन एक्सचेंज फॉर द कंट्री हैव ऑल्सो कम अप इन द प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो एक्सपोर्ट ऑरियंटेड यूनिट्स हैं मीन्स ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे सेक्टर जो आपको फॉरन एक्सचेंज अर्न करके देते हैं किसी कंट्री को ठीक है वो भी बहुत सारी आई है प्राइवेट सेक्टर में टाटा बिरला रिलायंस हैव इस्टेब्लिड सेवरल वेंचर्स इन फॉरन कंट्रीज एज वेल और अगर हम बात करें इन कुछ इंडस्ट्रीज के नाम दे रखे हैं सेटअप के कि इन्होंने भी अपने सेवरल वेंचर्स को इस्टिश किया था फॉरन कंट्रीज में दस प्राइवेट सेक्टर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ नाउ से मिला है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ठीक है क्या कहते हैं देखो प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया हैज बिन डोमेटिंग द स्पेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग पोलिट्री फार्मिंग फिशिंग एक्सेक्ट्रा विद द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर हैज शोन नोटिसेबल प्रोग्रेस इन दिस एरिया देखो नो डाउट ठीक है प्राइवेट सेक्टर ने इस चीज़ में स्टैब्लिश किया है बहुत अच्छा मतलब स्पेयर डोमेन मतलब स्पेयर को हम बोल सकते हैं कि इसमें इंक्लूड किए एक्टिविटीज़ है ना जैसे कि आपका डेयरी फार्मिंग है पोल्ट्री फार्मिंग फिशिंग ये सब नो no डाउट प्राइवेट सेक्टर का रोल रहा है बट कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर ने भी मीन्स गवर्नमेंट ने भी इनको कॉपरेट किया है फाइनेंशियली असिस्ट किया है जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी नोटिसेबल प्रोग्रेस दिखा पाया है इस पर्टिकुलर सेक्टर में या इस पर्टिकुलर एरिया में ठीक है एग्रीकल्चर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नियरली सिक्सटीन पॉइंट वन परसेंट टू इंडिया नेशनल इनकम एंड फोर्टी सिक्स टू परसेंट टू द एम्प्लॉयमेंट द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया गोज लार्जली टू द एंटरप्रोरल स्पिरिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज ऑफ दिस इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भी ठीक है इंडिया हमारा जो था वो सेल्फ सफिशियंट बना था इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का इस चीज में बहुत बड़ा रहा है आगे क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर हैज है प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है सेकेंड पॉइंट में डिस्कस किया है कि प्राइवेट सेक्टर का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है क्लियर अब हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे कि सेक्टर और में क्या रोल रहा है ठीक है प्राइवेट सेक्टर हैज़ अचीव हाइर प्रोडक्टिविटी लेवल अब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश हो गया है तो इनकी प्रोडक्टिविटी लेवल अच्छा नहीं है नो no, ऐसा नहीं है इनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिला है ठीक है इट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में भी इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है इट हैज़ रिजल्टेड इन हाइयर रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन द प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा डायवर्सिफाई किया है एक्सपांड किया है इट हैज़ प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टू द इंडिग्नस टेक्नोलॉजी बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू द ज्वाइंट वेंचर्स एंड फॉरन कोलेबोरेशन देखो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया है कोलेबोरेट किया है जॉइंट वेंचर्स के साथ मतलब फॉरन के जो कोलेबोरेशन हैं उनके साथ करने मतलब कोलेबोरेट करने के लिए नहीं हम ये बोल सकते जो प्राइवेट सेक्टर हैं ना उन्होंने जॉइंट वेंचर्स के थ्रू और फॉरन कोलेबोरेशन के थ्रू बहुत ही मतलब जो भी आपके यूनिक मॉडर्न टेक्निक है उनको लेके आने में इंट्रोड्यूस करने में बहुत बड़ी हेल्प की है ठीक है देखो अब कोई इंडियन सपोज प्राइवेट कोई कंपनी है वो फॉरेन कंपनी के साथ कोलेबोरेट करती है तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन की टेक्निक को भी तो एक्वायर कर रही है ना जान रही है तो इन फ्यूचर नियर फ्यूचर वो क्या करेंगे अपने इंडिया में भी वो टेक्निक को लेकर आ सकते हैं तो यही बोला गया है कि बिसाइड्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स एंड फॉरन कोलेबोरेशंस ऑल दिस हैज प्रोडक्टिविटी इन आर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सबके साथ हो क्या अल्टीमेटली यह सब प्रोमोट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इन आर इंडस्ट्रियल सेक्टर क्लियर नाउ फोर्थ पॉइंट में कहते हैं क्या रोल रहा है वो पढ़ते हैं देखो क्या कह रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू दाइवेट सेक्टर सफिशियंट प्रोग्रेस है प्राइवेट सेक्टर इन दिस एरिया थ द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियस ऑफरिंग लिबरल क्रेडिट टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में भी दिखता है जनरली क्या बोलते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो इंटरेस्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू द प्राइवेट सेक्टर ठीक है और हम बोलते हैं कि जो सफिशियंट प्रोग्रेस है वो भी देखने को मिली है प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस मतलब किसकी हेल्प से विद द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियज मतलब अब हेल्प किसने करी है फाइनेंशियल जो इंटरमीडियज हैं उनकी हेल्प से उनके असिस्टेंस कॉपरेशन से अब वो करते कैसे हैं बाय ऑफरिंग लिबरल क्रेडिट मतलब इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है किसको टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तो बहुत बड़ा मतलब रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का भी दीज इंडस्ट्रीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्वेंटी नाइन परसेंट इन जी डी पी एंड अबाउट फिफ्टी परसेंट इन टोटल मर्कडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया दीज इंटरप्राइजेस आर ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू नियरली वन वन जीरो नाइन पॉइंट एट लैक दस प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द ओवर पॉपुलेटेड बट लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया ठीक है तो आपको कुछ फैक्ट्स हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट सेक्टर इन ट्रेडिंग अगर हम ट्रेडिंग के पर्पज में बात करें तो उसमें क्या ग्रोथ या क्या रोल दिखा है आपको प्राइवेट सेक्टर का ठीक है तो क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर हैज ऑल्सो शोन इट्स एज ओवर द पब्लिक सेक्टर इन द कंटेक्सट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी ट्रेडिंग एक्टिविटी में भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान दिखा है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर राइट द बल्क ऑफ इंडिया डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरन ट्रेड इज बींग डन बाय द प्राइवेट सेक्टर बस जनरली यही बोला गया है कि जो आपका बल्क है India's का domestic या foreign trade का डोमेस्टिक या ट्रेड वो किसके द्वारा किया जा रहा है बाय द प्राइवेट सेक्टर क्लियर नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें ना तो जो एक्सपीरियंस बताता है ना वो ये कहता है कि प्राइवेट सेक्टर मोर एफिशियंट है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर ठीक है अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो बोलता है कि मतलब जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है ना प्राइवेट सेक्टर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर क्लियर चलो देखो क्या कहते हैं द एक्सपीरियंस शोज दैट द प्राइवेट सेक्टर इज मोर एफिशियंट देन द पब्लिक सेक्टर ऑन एन एवरेज इट इज जनरेटिंग नाइन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट द एवरेज ऑफ फाइव पॉइंट सेवन परसेंट इन द पब्लिक सेक्टर देखो क्या कह रहा है कि जो आपका अगर हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं ठीक है प्राइवेट सेक्टर आपका प्रॉफिट ऑन कर रहा है नाइन पॉइंट फाइव परसेंट हालांकि जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो जनरेट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज फाइव पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है average, uh, तो इसी से दिख रहा है कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा एफिशियंट है इन रिलेशन टू द पब्लिक सेक्टर दस प्राइवेट सेक्टर इज जनरेटिंग मोर ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज वेरी वाइटल फॉर द ग्रोथ प्रोसेस क्लियर है चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम प्राइवेट सेक्टर ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट स्टेटस इन द इंडियन इकोनॉमी इट इज जनरेटिंग नियरली सेवेंटी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कंपेयर टू जस्ट ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर देखो क्या कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो नेशनल इनकम या जीडीपी की तरफ कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सेवेंटी बट अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्ट ओनली ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट तो बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को आपको यही मिल रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेजर अर्नर ऑफ फॉर एक्सचेंज देखो जो प्राइवेट सेक्टर है ना उसको मेजर अर्नर माना गया है फॉरेन एक्सचेंज का अब ऐसा क्यों क्योंकि जो फॉरेन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज हैं इंडस्ट्रीज हैं ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं मोस्टली ठीक है इट हैज बीन एक्सपोर्टिंग रेडीमेड गारमेंट्स Precious gems, stones, ornaments, engineering tools, leather goods, handicrafts, etc. तो ultimately जब exports करते हैं तो उससे होगा क्या foreign exchange ही तो आएगा ना in return. तो इसीलिए बोला जाता है they are the major earner of the foreign exchange. तो ये आपका कुछ रोल था प्राइवेट सेक्टर का जो ये बताता है कि प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे डेवलप करने में हेल्प करता है ठीक है तो हमने इंडिया के context में पढ़ा है एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कंटेक्स में क्या है प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेकेंड हमने डिस्कस किया प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थर्ड वी हैव डिस्कस प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी फोर्थ प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फिफ्थ प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग देन रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम एंड द लास्ट वन इज मेजर अर्नर ऑफ फॉरन एक्सचेंज आई होप यू लाइक दिस वीडियो Do like, share, and comment below to share your reviews. And don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. Thanks and have a wonderful day.